गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? सो गाइज आज आपके साथ ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। स्किन केयर वीडियो है, कोई भी मेकअप वीडियो नहीं है, कोई भी हॉल वीडियो नहीं है। यहाँ पर आपके साथ एक स्किन केयर वीडियो शेयर करने वाली हूँ। बहुत टाइम से पेंडिंग चल रही थी, मैंने आपके साथ एक हॉल शेयर किया था पर्पल हॉल, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक वन ब्रांड स्किन केयर आने वाला है, तो वो है गुडविल्स का रोज हिप वन ब्रांड स्किन केयर वीडियो। सो यहाँ पर मैंने जितने भी रोज हिप के, गुड वाइब्स के, रोज फ्रेम के जितने भी प्रोडक्ट्स मोस्टली आते थे सारे ही मैंने इसमें ऑर्डर किए थे। तो आपके साथ मैं फर्स्ट इम्प्रेशन इनका शेयर करूंगी, कैसा ही वर्क करते हैं, कैसा कौन सा प्रोडक्ट क्या वर्क करता है, कौन सा वर्थ इट है, कौन सा नहीं है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। सो यहाँ पर मैंने छोटी सी बास्केट में मैंने सारे प्रोडक्ट्स रख लिए हैं। सो वन बाय वन आपके साथ इनको यूज करके बताऊंगी, डेमो करूंगी। सो या गए, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें गाइस, आधे से ज्यादा वीडियो लोग देखते हैं, रोज मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर लिया करो, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी। और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसी लगी। तो या गाइस जितने भी प्रोडक्ट्स आते थे गुड वाइब्स के, रोज हिप के, सारे मैंने इस बास्केट में ले लिए हैं, लाइक उनका फेस वॉश, टोनर, सारे स्किन के जो भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेन स्टेप होता है वो है हमारा फेस वॉश, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया था गुड वाइब्स का ये रोज हिप वाला डीप क्लींजिंग फेस वॉश। इसमें ये गुड वाइब्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो है नो पैराबेंस, नो मिनरल ऑयल, इसमें कुछ ऐसा नहीं है और ऑल स्किन टाइप्स को ये सूट करते हैं। सो इस टाइप के कुछ पंप की पैकेजिंग के साथ ये आता है। इसका प्राइस मैंने वैसे वो वीडियो अगर आपने मेरी हॉल वीडियो चेक नहीं की तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेकआउट कर लेना। उसमें मैंने सारे प्रोडक्ट्स के एमआरपी बताई है और जितने डिस्काउंट पे मुझे मिले हैं वो भी मैंने उसमें बताया है, लेकिन मैं फिर भी इसकी एमआरपी आपको बता देती हूँ। इसकी एमआरपी है 195, लेकिन मुझे डिस्काउंट पे मिला था, आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, मुझे अभी याद नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सो आप देख सकते हैं और इस टाइप के पंप की पैकेजिंग कुछ आता है, आपको इसका एक से डेढ़ दो पंप इनफ होते हैं, आप देख सकते हैं। ये ना जेल टाइप का फेस वॉश है, एकदम वो जैसा फोमिंग वाला फेस वॉश होता है ना वैसा नहीं है, जेल टाइप का फेस वॉश है, आप देख ही सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पर मैं इसी टोनर से अपने फेस को थोड़ा सा वेट कर लूंगी। तो ये है रोज हिप का टोनर, सबसे पहले मैं टोनर ही लगाऊंगी, स्किन क्लैरिफाइंग टोनर है ये भी रोज हिप का ही, ठीक है। बहुत ज्यादा ये रिफ्रेशिंग टोनर है एंड ऑल जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबकी स्मेल एकदम सेम ही है, जैसी रोज की स्मेल होती है। तो आप देख ही सकते हैं ये एकदम जेल फॉर्म का फेस वॉश है। तो इसको आपको जेंटली मसाज करना होता है फेस पे, अभी आप देख सकते हैं थोड़ी सी फोम बनेगी इसकी, बहुत ज्यादा फोम नहीं बनेगी। कुछ फेस वॉश जो होते हैं बहुत ज्यादा फोमी से होते हैं, लेकिन ये वैसा नहीं है, ये जेल काइंड ऑफ फेस वॉश है, आप देख ही सकते हैं। नेक पे भी आपको मसाज करना है, तो इसको आपको दो तीन मिनट तक मसाज करना होता है अच्छे से एंड उसके बाद आपको फेस वॉश करना है। तो चलिए मैं फेस वॉश कर लेती हूँ। तो अभी आप देख ही सकते हैं मैंने फेस को वॉश कर लिया है और एक ये ना स्किन को एक हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग सा इफेक्ट दे रहा है, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपके लिए बेस्ट फेस वॉश है। वैसे तो ये ऑल स्किन टाइप्स को सूट करता है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तभी आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि चिपचिप थोड़ी कर रहा है, थोड़ा सा एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट दे रहा है और मॉइस्चराइजर तो हर स्किन के लिए अच्छा ही होता है और सारे स्किन टाइप वाले इसको यूज कर सकते हैं। एकदम एक ये ड्राई फील नहीं कर रहा है एकदम, कोई फेस वॉश होते हैं उनको लगाने के बाद ना थोड़ा सा ड्राई हो जाता है और फेस मॉइस्चराइजर वगैरह लगाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो या चलिए अब नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं यहाँ पर मैं लगा रही हूँ, सारे प्रोडक्ट्स मैंने इसमें ऑलमोस्ट मंगवाए हैं, तो मैं यहाँ पर टोनर लगा लेती हूँ फेस वॉश के बाद। ठीक है, या उसके बाद यहाँ पर जो मैं प्रोडक्ट लगा रही हूँ वो है ये फेस क्रीम, ये मास्क है एंड या ये है स्क्रब, यह रोज हिप का, गुड वाइब्स रोज हिप का स्क्रब,
ठीक है, ये भी नो पैराबिन्स नो मिनरल ऑयल्स का जो प्राइस है वो भी इसका भी 195 है, लेकिन डिस्काउंट पे मिला है मुझे, जैसे कि मैंने आपको बताया। बहुत ही अच्छी इसकी पैकेजिंग सारे पर इसकी मुझे लगी, बहुत ही लग्जूरियस पैकेजिंग इसकी लगती है। प्लास्टिक की पैकेजिंग है, पूरा इसका प्लास्टिक रैप होके आता है, तो इसकी अंदर एक लिड दी है जिससे आपका जो प्रोडक्ट है वो सिक्योर रहता है। इसमें भी आपको एक पिंकिश टिंट सा मिलता है स्क्रब में, एंड स्मेल तो सेम ही है, ठीक है। तो इसका भी आपको थोड़ा सा अमाउंट लेना होता है, एंड आपको जेंटली मसाज करना है आपके फेस पे। तो आपको सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे इसको मसाज करना है, नेक पे भी मसाज करना ना भूले, एंड जो आपकी अंडर आइज में होती है उसको, आपकी जो रिंग फिंगर होती है उसकी हेल्प से आपको मसाज करना है इस टाइप से, बहुत ही जेंटली, क्योंकि ये वाला एरिया हमारा बहुत ज्यादा डेलिकेट होता है, ठीक है। तो काफी अच्छा ये स्क्रब लग रहा है मुझे, बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग लग रहा है एंड क्रीमी सा लग रहा है। तो आपको सर्कुलर मोशन में इसको जेंटली मसाज करना है। तो मैंने इसको 2 से 3 मिनट मसाज कर लिया, वैसे इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है, लेकिन आपको स्क्रब को यूजली आपको 2-3 मिनट तक मसाज करना है तो होता है, बहुत ज्यादा नहीं करना होता आपको मसाज स्क्रब को, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी लूज हो सकती है बहुत ज्यादा मसाज करने से स्क्रब से। तो चलिए, बहुत ज्यादा ये प्रोडक्ट स्किन में ऑब्जर्व भी हो गया है, बहुत ज्यादा बाहर भी है, तो बाकी का जो एक्सेस प्रोडक्ट है उसको हम आप जो तो वेट वाइप की हेल्प से भी इसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको वॉश करूंगी तो ताकि ये जो भी एक्सेस है वो अच्छे से निकल जाए। तो अच्छे से आप, मैंने पूरे फेस को और नेक को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग हो गई स्किन। सो ठीक है गाइज, इस बहुत ज्यादा ये हाई फाइव अप टू मार्क तो मैं नहीं बोलूंगी, ठीक है, लेकिन ना स्किन को एक अच्छा सा रिफ्रेशिंग करने के लिए, क्लीन अप करने के लिए ठीक है, ठीक ओके। और सो इसने एक अच्छे से स्किन को क्लीन कर लिया है, क्लीन कर दिया है, रिफ्रेश कर दिया है अच्छे से, ठीक है, क्लीन अप हमारा हो गया है। उसके बाद जो मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं वो है, एक तो है मास्क, इसके बाद मैं मसाज करूंगी क्रीम से, ठीक है। और मेरे पास ये जेल भी है, मैं दोनों से मसाज कर लूंगी अच्छे से स्किन को। तो सबसे पहले मैं जेल ही लगा लेती हूँ, तो ये आप देख सकते हैं ये भी है गुड वाइब्स की रोजिप जेल, तो इसका जो प्राइस है वो है 240 रुपीज, बहुत ज्यादा डिस्काउंट में मिली है, 100 समथिंग की मिली है। इसके ऊपर कोई भी लिड नहीं थी, इस टाइप का कुछ जेल है, आप देख सकते हैं पिंक टिंट है इसमें भी, ठीक है, और अच्छी लग रही है देखने में। स्मेल गाइज, सारे प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी है, रोज रोज वाली स्मेल आती है, और ना ये जो जेल है ना वो भी अच्छी है, बहुत ज्यादा ये रिफ्रेशिंग है, बहुत ज्यादा स्मूथ कर रही है स्किन को, बहुत अच्छी लग रही है। एंड इसको भी आपको जेंटली 2-3 मिनट तक ही मैं बोलूंगी आपको मसाज करना है इसको अपने पूरे फेस पे, जैसे भी हम मसाज करते हैं गाइज यूजली सर्कुलर मोशन पे में, एंड अंडर आइज में कुछ ऐसे करनी, आपको सर्कुलर मोशन में भी है, इनवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में आप कर सकते हैं, और पूरे आइज पे आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है, और बाकी आपको फेस को ऐसे करके सर्कुलर मोशन में मसाज करते जाना है, एंड ठीक है। आपको इसको भी 2-3 मिनट तक मसाज करके उसके बाद मैं फेस को वॉश कर लूंगी, ठीक है। सो यहाँ पर जो जेल थी मैंने इसको 2-3 मिनट तक मसाज किया, एंड वो स्किन में एकदम अब्सॉर्ब हो गई, अभी आप देख ही सकते हैं लग नहीं रहा कि कोई भी एक्सेस प्रोडक्ट बाहर बचा है, अब सारी स्किन में अब्सॉर्ब होगी। मुझे लगा था इसको वॉश करना पड़ेगा जो भी एक्सेस बच जाएगा, लेकिन नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर रोजहिप की गुड वाइब्स की रोजहिप यहाँ पर फेस क्रीम लगा रही हूँ। सो ये है, इसका भी प्राइस 245 है, इसको आप बाद में भी लगा सकती हैं, पहले भी इसको मसाज करने में लगा सकते हैं। तो मैं दोनों लगाऊंगी, पहले भी इसको थोड़ा सा मसाज कर लूंगी फेस पे, उसके बाद हम मास्क लगाएंगे, और उसके बाद जो बाद वाला स्किन केयर होगा उसमें भी मैं इसको लगा लूंगी। तो आप देख ही सकते हैं स्मेल बहुत अच्छी है गाइस। सो इसी से जो भी इसकी लिड पे लगा हुआ थोड़ा सा उसी से मसाज कर लूंगी, स्मेल बहुत अच्छी है गाइज सारे प्रोडक्ट्स की। तो मैं आपको बोलूंगी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो, ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छे रहेंगे, ठीक है, और रिफ्रेशिंग है, क्लीन कर रहे हैं फेस को अच्छे से, रिफ्रेशिंग प्रोडक्ट्स हैं।
तो आप देख सकते हैं मैंने पूरे फेस पे इसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। इसको अच्छे से आपको इसको भी 2-3 मिनट तक मसाज करना है, तो ज्यादा टाइम भी आप इसको कर सकते हैं, 4-5 मिनट तक भी कर सकते हैं, जैसे क्रीम को हम ज्यादा टाइम तक मसाज कर सकते हैं, लेकिन मैं 2-3 मिनट तक ही करूंगी। ठीक है, तो चलिए मैं इसको अच्छे से मसाज कर लूंगी, उसके बाद आपको 2-3 मिनट तक बताती हूँ कि स्किन में अब्सॉर्ब होती है या एक्सेस बचता है, वॉश करना पड़ता है या क्या। ठीक है, चलिए मैं इसको मसाज कर लेती हूँ। तो इस क्रीम को भी 2-3 मिनट तक मसाज करने पे ये अच्छे से स्किन में अब्सॉर्ब हो गई है एंड बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ लगाया था एंड अच्छे से स्किन में अब्सॉर्ब हो गया। कुछ भी मैंने वेट वाइप से क्लीन नहीं किया या फेस वॉश नहीं किया, तो ठीक है, फेस वॉश करने की जरूरत भी नहीं है। बहुत ही लाइट वेट क्रीम थी। सो मैं आपको रेकमेंड करूंगी, अगर आप समर्स में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं तो आप इन प्रोडक्ट्स को जरूर ट्राई कर सकते हैं। और सारे प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट जेल बेस्ड है, जैसे इसका जो फेस वॉश है वो भी जेल बेस्ड है एंड समर्स में जेल बेस्ड प्रोडक्ट अच्छे होते हैं क्योंकि जो क्रीम बेस्ड होते हैं वो थोड़े से चिपचिप करते हैं, तो ये अच्छे लगे मुझे प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसको लास्ट में जो लास्ट में नहीं लेकिन अभी जो हमारा जो स्टेप बचता है वो है गुड वाइब्स का ये स्किन ग्लो फेस मास्क। तो चलिए देखते हैं इसको लगाने के बाद कितना ग्लो आता है हमारे फेस पे। तो मैं इसका भी आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ। सो ये भी इस लिड के साथ आता है, तो आप देख ही सकते हैं टेक्सचर इसका वही रोज वाला है, स्मेल सेम है। ठीक है, तो इसको भी हम लगा लेते हैं अपनी फिंगर की हेल्प से। अच्छे से आपको पूरे फेस पे लगा लेना है, आप चाहें तो इसको ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं, आपको इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना है। ठीक है, तो ये कोई पील ऑफ वाला मास्क नहीं है, सिंपल जो मास्क होता है वही है। तो आपको इसको इसकी थिन लेयर लगा लेनी है, बहुत ज्यादा थिक लेयर लगाने की जरूरत नहीं है, थिन लेयर लगा लो सो इनफ है। ठीक है, एंड ये काफी क्वांटिटी है इस इन प्रोडक्ट सारे प्रोडक्ट्स में, तो आपके अच्छे खासे चल जाएंगे। एक बार आपको इन्वेस्ट करना होता है बाकी आपके प्रोडक्ट्स काफी लंबे टाइम तक चल जाते हैं। सो मैंने इस फेस मास्क को अच्छे से स्किन पे अप्लाई कर लिया है, तो आप देख ही सकती हैं और काफी ज्यादा अच्छा है, स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। मैं अगेन एंड अगेन स्मेल के बारे में बात कर रही हूँ लेकिन मुझे सच में इसकी स्मेल इन प्रोडक्ट्स की काफी अच्छी लग रही है एंड पूरे इसको मैंने फेस पे नेक पे लगा लिया है। आपको अपने आईज का एरिया छोड़ के इसको लगाना होता है, तो आप इसको अच्छे से लगा के एकदम रिलैक्स भी कर सकती हैं। आप चाहे तो अपने आईज पे कुकम्बर वगैरह रख सकते हैं, लगा के इसको 5-7 मिनट जितनी देर ये ड्राई होगा उतनी देर आप इसको रख सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। चलिए मैं देखती हूँ कितनी देर में ड्राई होता है। तो चलिए, सो गाइज आप देख सकते हैं पूरे इसको 15-20 मिनट तक के बीच में ये सूख गया है, ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है, आप देख ही सकते हो। ठीक है, पूरा ये ड्राई हो गया है एंड ठीक है, एक थोड़ा सा टाइट करा स्किन को एंड काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग था एंड बड़ी जल्दी ये सूखता नहीं है, काफी इसको टाइम लग गया। मैंने इसको पंखे के आगे बैठ के इसको सुखाया है और अगर आप ऐसे बैठे रहेंगे तो नहीं सूखेगा, ऐसा मुझे फील हुआ क्योंकि इसको लगाने के बाद ना स्वेट सी आ रही थी फेस पे। मैं यहाँ पर ये वेट वाइप्स ले रही हूँ, ये है लिटिल्स के बेबी वाइप्स, तो यहाँ पर इसी की हेल्प से मैं इसको पहले क्लीन कर लूंगी अच्छे से एक्सेस जो भी होगा। सो आप देख ही सकते हैं एक ही बार में क्लीन हो गया, बाकी का जो भी प्रोडक्ट बचेगा एक बार एंड में हम फेस वॉश कर लेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी इसने कैसा वर्क किया है। तो आप देख ही सकते हो क्लीन हो गया है, बाकी मैं अच्छे से फेस वॉश करके आती हूँ फिर आप। सो यू कैन सी गाइस मैंने फेस वॉश कर लिया है, तो सो एज सच कुछ इसने मैजिक वाला वर्क तो नहीं किया है। ठीक है, लेकिन जैसा नॉर्मल मास्क वर्क करते हैं ऐसे ही कुछ किया है, तो आप देख ही सकते हैं। ठीक है, अच्छे से स्किन को क्लीन कर लिया है और रिफ्रेश कर दिया है और ऐसा कुछ बहुत ज्यादा मैजिक ग्लो नहीं आ गया है। तो चलिए उसके बाद जो मैं थोड़ा सा टोनर लगा लेती हूँ, तो कुछ गाइस ऐसा कुछ है ना ड्राई नहीं किया इसने इस मास्क ने, इसके सारे प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगे इस बात से कि ड्राई नहीं करते हैं, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है कोई भी अगर स्किन के लगा लो तो वो अच्छे से स्किन को ड्राई कर दे, वो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन ये इसने ऐसा कुछ ऐसा ड्राई नहीं किया, थोड़ा सा टोनर सूख जाता है, अब्सॉर्ब होता है स्किन पे, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी उसके बाद सीरम।
सो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ये गुड वाइब्स का रोज हिप सीरम। इसके बारे में मैंने बहुत यूट्यूबर्स को सुना है बोलते हुए, तो मैंने इसको मंगवाते मंगवाते मैंने पूरी रेंज ही मंगवा ली इसकी, कि चलिए लेट्स सी कैसा वर्क करती है पूरी रेंज इसकी। तो आप देख सकते हैं एक ऐसे ड्रॉपर के साथ आता है, ड्रॉपर इसका अलग से आता है, पूरा पैक होके आता है, एक लिड लगी होती है इसके ऊपर, तो वो मैंने हटा के इसको एक इसके ड्रॉपर पे लगा लिया है। तो ये एक ऑयल सा ऑयल की तरह वर्क मुझे लगता है, मैंने कभी ऐसे सीरम्स ट्राई नहीं किए, लेट्स सी। वैसे मैंने इसको एक दो बार यूज किया हुआ पहले, ऐसे ट्राई करके देख लिया था, इसकी भी स्मेल अच्छी है। मुझे ना जो भी प्रोडक्ट आता है ना, मुझे सबसे पहले उसकी स्मेल करना बहुत अच्छा लगता है, चाहे कोई मेकअप हो कुछ हो, मुझे स्मेल अच्छी चाहिए होती है। तो ये आप देख सकते हैं स्किन को अच्छे से ग्लो सा प्रोवाइड हो गया है, एंड अच्छे से स्किन को हाइड्रेट कर दिया है, मॉइस्चराइज कर दिया है। एंड वैसे इसके बाद कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, आई थिंक वैसे मैंने सोचा था कि क्रीम लगा लूंगी मॉइस्चराइजर लास्ट में, लेकिन आई थिंक जरूरत नहीं है, तो या मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ। तो या गाइस आप देख सकते हैं ये इतने ऐसा कुछ वर्क किया है और ऐसा कुछ रिजल्ट मेरे सामने है, ठीक है, कुछ ऐसा हाई फाई कुछ। और स्किन है गाइस आपकी क्लीन ही होगी, रिफ्रेश होगी, इससे आप बहुत ज्यादा नहीं हो जाओगे कुछ। तो या जैसा ये स्किन के जिसने काम किया है, मुझे अच्छा लगा, स्किन को रिफ्रेश किया है, क्लीन किया है, सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, मुझे अच्छे लगे, समर्स के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, एंड ऑल स्किन टाइप को सूट करती है, विच इज वेरी गुड थिंग गाइस। अगर आपकी ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, सारे स्किन टाइप को ये अच्छे से सूट करेगा, तो आप इन प्रोडक्ट्स को डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इसका फेस पे। कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है या ऐसी स्किन के आपको जल्दी से कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करता है, तो आप ये स्किन के ट्राई कर सकते हैं, ये हर स्किन टाइप को सूट करता है। और मैं ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कुछ नहीं है कि ये मुझे ब्रांड ने सेंड किए हैं, ये स्पॉन्सर वीडियो है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपने पैसों से खुद से खरीदा है। मैं इस रेंज को पर्सनली ट्राई करना चाह रही थी क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सुना था, तो मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू ही आपके साथ शेयर करूंगी, जो भी रिजल्ट है आपके सामने है, अच्छा लगे ठीक है, नहीं लगा ठीक है। सो या गाइस अच्छी लगी वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियोस अगर आप रोज देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे पता है बहुत से लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। सो या गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।